हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11B से क्वेश्चन नंबर 15। गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स एंड 10% पर एनम इज ₹93। फाइंड द सम। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस गिवन है ₹93, टाइम है 3 ईयर्स, रेट है 10% पर एनम। हमें सम मीन्स प्रिंसिपल यहाँ पे फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। गिवन चीज़ें हम लिख लेंगे, सम हमें फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं, लेट द सम बी पी, रेट है 10% पर एनम, एन जो कि टाइम को डिनोट करता है वो है 3 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है ₹93। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है ए माइनस बी मीन्स अमाउंट माइनस पी माइनस एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे पी हमें फाइंड करना है, आर है 10%, टी है टाइम 3 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अगेन ए की वैल्यू हो जाती है पी इंटू 1 + r/100 की होल पावर एन, माइनस में पी एज इट इज़ है, माइनस ये फार्मूला एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 93। अब यहाँ पे फ्रेंड्स तीनों आइटम्स में पी है, पी हमने कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे बच गया है 1 + r/100 की होल पावर एन माइनस 1 माइनस आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 93। ओके फ्रेंड्स, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। पी हमें फाइंड करना है, आर की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू है 3, हमने पुट कर दी है। यहाँ पे भी आर की वैल्यू है 10, टी की वैल्यू है 3, वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा पी इंटू 1 + 10/100 की होल पावर 3 माइनस 1 माइनस 10 × 3/100 इज इक्वल टू 93। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेंगे 10, यहाँ पे जाके 10 × 10 + 1 = 11/10 की होल पावर 3 माइनस 1 माइनस 3/10 आ गया, इज इक्वल टू 93। ओके फ्रेंड्स, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 × 11 × 11 इज इक्वल टू 1331 अपॉन में 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू 1000 माइनस 1 माइनस 3/10 इज इक्वल टू हो गया 93। ओके फ्रेंड्स, सो इसे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1000 एलसीएम। इसे सॉल्व करेंगे, 1331 माइनस 1000, 1 + 1000 माइनस 1000 हो गया, माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 1000 को आएगा 100, 100 × 3 करेंगे आएगा 300। ओके फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 93 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, 1331 माइनस 1300 इज इक्वल टू आ गया 31, अपॉन में 1000 है इज इक्वल टू 93 है, इंटू में यहाँ पे पी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कर लेंगे, पी इज इक्वल टू हो जाएगा 93 × 1000/31। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 31 × 1 = 31 एंड 31 × 3 = 93। सो 3 × 1000 इज इक्वल टू 3000 मीन्स यहाँ पे पी या जो हमें सम फाइंड करना था वो हो जाएगा ₹3000। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।